अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम डिस्कस करेंगे फिल्टर और एडवांस फिल्टर। देखिए, फिल्टर के लिए आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा इंसर्ट है, मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। आप यहाँ से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जो 2018 का डाटा है उसे आप अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, और 2017 और 16 का डाटा अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2017 का डाटा चाह रहा हूँ यहाँ पर फिल्टर हो जाए, तो ये देखें अब सिर्फ 2017 का डाटा यहाँ पर शो होगा। इसी तरह व्यूज सेल्समैन में भी नेम्स बाय नेम्स आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमज़ा का डाटा हमें चाहिए, तो मैं इसमें अनचेक करके सिर्फ हमज़ा को चेक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ हमज़ा का डाटा आ गया है। यही सेम प्रोसीजर हम प्रोडक्ट्स से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएं, और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ पेप्सी का डाटा आपको नज़र आए, तो आप पेप्सी को चेक करें और ओके पे क्लिक करें, तो सिर्फ पेप्सी का डाटा ये हमें फिल्टर करके दिखा देगा। व्यूज़, ये तो हमारा सिंपल फिल्टर है। पहले हम फिल्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडवांस फिल्टर का है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट को कॉपी करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन पर जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा है, इस डाटा को मैं फिल्टर करूँ, तो एडवांस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें, इसने खुद ब खुद जो रेंज है उसको उठा लिया है। रेंज के बाद हम क्राइटेरिया क्या देंगे, इस क्राइटेरिया को हमने फिल्टर करना है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखें, पेप्सी का जो प्रोडक्ट है उसे इसने एडवांस फिल्टर के ज़रिए फिल्टर कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि सेल्समैन को फिल्टर करें, तो इसे कॉपी करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर लोकेशन देना चाहें लोकेशन दे दें और कॉपी पेस्ट करें। दोबारा एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद यहाँ से इस क्राइटेरिया को ख़त्म करके ये क्राइटेरिया दे दें और ओके पे क्लिक करेंगे। देखें, सिर्फ अली का डाटा इसने फिल्टर कर दिया है। कंट्रोल जी से वापस आते हैं हम। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूनिक रिकॉर्ड को फिल्टर करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर कॉपी करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोकेशन दूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यूनिक रिकॉर्ड्स है, जो रिपीट है, उसे ये फिल्टर ना करे, और जो यूनिक रिकॉर्ड है उसे फिल्टर करे। ये दूसरा ऑप्शन है एडवांस में। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, इसने रेंज खुद ब खुद उठा ली है। सेकेंड ऑप्शन, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्राइटेरिया रेंज नहीं देना, कॉपी टू कि जगह ये प्रोडक्ट का सेल रेफरेंस देना है और यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक। यहाँ पर देखें, जो प्रोडक्ट में रिपीट डाटा है उसे इसने यहाँ पर फिल्टर नहीं किया, जो यूनिक डाटा है इसमें से उठाकर इसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसी तरह अगर आप सेल्समैन का चाह रहे हैं, तो इसे कॉपी करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोकेशन दें और पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप एडवांस फिल्टर में जाएँ। रेंज इसने खुद बहुत दे दी है। सेकेंड ऑप्शन, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएं और यहाँ पर इसे ख़त्म करके आप अपनी जो लोकेशन है सेकेंड वन, आप उसे उसका सेल रेफरेंस दे दें और यूनिक रिकॉर्ड ओनली को चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो रिपीट नेम्स हैं उनको फिल्टर नहीं किया, जो यूनिक नेम्स हैं ओनली इन्हें इसने फिल्टर कर दिया है। तो ये था व्यूअर्स हमारा फिल्टर और एडवांस फिल्टर। आई होप के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।